तो दोस्तों न्यू महिंद्रा पोलेरो पिकअप एक्स्ट्रा लॉन्ग का वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का नीले सेना चैनल में। तो दोस्तों फाइनली न्यू महिंद्रा बोलेरो पिकअप FB 1.70 आ चुकी है। वो BS6 वाला मॉडल 2020, तो देख लीजिए। आज हम इसका फुल रिव्यू डिटेल करने वाले हैं। तो गाड़ी कंपनी ने कैसी प्रोवाइड की है और कौन से चेंज हुआ है, गाड़ी कैसी कंप्लीट बनी हुई है, तो आज हमका इसका पूरा वीडियो दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों चैनल को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और बेल आइकन का प्रेस करना ना भूलिए, ताकि ऐसी और गाड़ी का भी रिलेटेड वीडियो आप में फेस हो जाए, क्योंकि मेरा काम है जो गाड़ी का बॉडी कैबिन बनाने का, तो सभी वीडियो आप में फेस हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख लीजिए, पहले हम इसका आगे का प्रोफाइल से शुरू करते हैं। तो इसी तरह इसका आगे का जो बम्पर है और इसका हेडलाइट है जो बहुत अच्छी प्रोफाइल देती है, और इसका जो ऊपर का इंडिकेटर है वो भी बहुत सिल्की बनाया है। तो हम इसकी जो BS6 की स्टिकर की बात करें थी, BS6 वाला स्टिकर लग चुका है। और इसके नीचे जाए तो महिंद्रा लिखा हुआ है। इसके स्पीड ऐसी MPS की गाड़ी की स्पीड बंधी हुई रहती है। तो आइए दोस्तों लेफ्ट साइड से व्यू दिखा देते हैं। तो ऐसा इसका व्यू है जो गाड़ी अच्छा प्रोवाइड देती है। तो हम टायर की बात करिए तो जो इसका टायर है वो अपोलो कंपनी से जो 15 इंच का स्टील व्हील आता है, टायर बहुत अच्छा प्रोवाइड देता है, टायर भी बहुत मजबूत दे रखे गाड़ी के अंदर। तो हम अब बात करते हैं इसके एक बार फिर से फ्रंट में राउंड दिखा देता हूँ गाड़ी का। तो देखिए तो फ्रंट से कुछ ऐसा लुक बदल चुका है गाड़ी का, बहुत अच्छा प्रोवाइड देती है गाड़ी की, बहुत अच्छा लुक देती है। और इसका जो साइड में राइट साइड में जो इसका इंडिकेटर है और हेडलाइट में भी इंडिकेटर और सेटअप हो चुका है। तो देख लीजिए ऐसी गाड़ी बहुत अच्छी प्रोवाइड देती है। तो गाड़ी जो 9 फुट की गाड़ी एक्स्ट्रा लॉन्ग बहुत अच्छी है। जो इसकी ब्लेजिंग देखिए तो बोलेरो पिकअप FB 1.70 का स्टिकर लगा हुआ है। तब बात करते हैं इसके डाले की, तो जो इसका डाला है ये देख लीजिए, इसके डाले का व्यू। तो ये डाले का हैंडल हो गया, जो हैंडल बहुत अच्छा कंपनी से देते हैं, जो डाले को पकड़ में रखता है। तो इसका जो एक्स्ट्रा लॉन्ग का स्टिकर हो गया, क्योंकि ये गाड़ी का डाला 1 फुट ज़्यादा आता है जो एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग से। तो 9 फुट की इस गाड़ी की लंबाई है जो डाले की है, और इसकी चौड़ाई है वो 5.5 फुट की है, और इस डाले की ऊँचाई है वो 2.5 फुट की है। तो अब बात करते हैं इसके फ्यूल की, तो देख लीजिए इसका फ्यूल सिस्टम है इधर अच्छा प्रोवाइड दिया है। तो इसके फ्यूल है, देख लीजिए जो लॉक सिस्टम वाला आता है चाबी से, ये इसकी टंकी हो गई जो बहुत अच्छी आती है, 50 लीटर की आती है। इसका जो चेंजिस में फिट हो जाता है बीच में, तो देख लीजिए इसके कमांड पार्ट आता है जो बहुत अच्छा आता है। गाड़ी के अंदर भी लोड बढ़ने से भी ये नया कंपनी से जो प्रोवाइड किया है उस पार्ट में कोई दिक्कत नहीं होती। इसकी चेंजिस भी बहुत अच्छी आती है, देख लीजिए इसकी चेंजिस जो कंपनी प्रोवाइड करती है वो बहुत अच्छी। मैं बार बार अच्छी क्यों बोलता हूँ दोस्तों, क्योंकि सबको ये गाड़ी बहुत अच्छी लगती है, बाकी तो सभी कंपनी की गाड़ी अच्छी आती है। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं इसके पीछे के साइड, तो पीछे के साइड से गाड़ी कुछ ऐसा प्रोफाइल देती है। तो देख लीजिए इस डाले के पीछे का जो व्यू दे रखा है। इसका पहले हैंडल की बात करें तो जो आगे लगा हुआ है वही सेम पीछे हैंडल लगा हुआ है। अब इसकी टेन लाइट की बात करिए तो इसी तरह इसकी टेन लाइट में जो ये विजन दे रखा है, जो इसकी साइड की इंडिकेटर है और बीच की लाइट है जो ब्रेक की है, लेफ्ट साइड में जो रिवर्स के लिए है डिजन है, उसका सीरियस पार्किंग सेंसर जो कंपनी ने प्रोवाइड कर दिया है, जो दोनों साइड में दोनों रिवर्स पार्किंग सेंसर दे रखा है। देख लीजिए रिवर्स पार्किंग सेंसर हो गया। तब इसके स्पेयर व्हील की बात करें तो इसका स्पेयर व्हील जो दे रखा है वो पीछे के साइड नीचे आता है। तो हम इसका ढक्कन वगैरह जो मॉडिफाई करते हैं जब बॉडी का काम होता है, तो इस ढक्कन का लॉक लगाने का हम रूल लगा देते हैं। तो बात करते हैं इसकी लेफ्ट साइड से डाले की, तो देख लीजिए जो लेफ्ट साइड के इसका व्यू ऐसा आता है। तो देखिए तो ऐसी दिखती है गाड़ी, इसके डाले में बहुत लंबी नहीं दिखती है फिर भी बहुत स्पेस दे रखी है।
तो देखिए आइए हम बात करते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके डाले के अंदर की। तो अंदर इतनी स्पेस दे रखी है, तो इसके डोर को हम खोल के आपको दिखा देते हैं। तो कितनी स्पेस दे रखी है कंपनी ने, तो आइए चलिए अब दिखाते हैं इसको खोल के। इसके हैंडल को हम डोर को खोल के दिखा देते हैं, जो कंपनी ने कितनी स्पेस दे रखी है गाड़ी के डाले के अंदर, जो 9 फुट की बोलती है। तो देखिए आइए हम इसके हैंडल को खोल के दिखा देते हैं। तो इतनी बड़ी स्पेस दे रखी है, जो इसकी लंबाई है वो 9 फुट की है और इसकी चौड़ाई है वो 5.5 फुट की है। तो कंपनी 1.70 kg की वारंटी गारंटी देती है। कितने लगेज या सामान आप लोग भर सकते हैं, लेकिन आप बॉडी बनने के बाद 2.5 और 3 टन तक आराम से भर सकते हैं दोस्तों। इस गाड़ी के अंदर कोई दिक्कत नहीं आती है, बॉडी बनने के बाद 2.5 या 3 टन तक भर सकते हैं मेरे कहने लायक से। इसके ज़्यादा आप सामान भरोगे तो गाड़ी में नुकसान आ सकता है दोस्तों। इससे जितनी आप गाड़ी की जो देखभाल रखेंगे इतने आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों। तो देख लीजिए इसका पीछे का व्यू कुछ इस तरह आता है। और दोस्तों चलिए हम बात करते हैं इसके इंटीरियर की। तो इसके इंटीरियर में क्या चेंज हुआ है वो सब हमको दिखाने वाले हैं। देखिए और ये इसके हो गए जो साइड के ओवरव्यू।
देखिए जो इसके साइड में दे रखी है वो है 2 इंच की डिस्प्ले दे रखी है, ये सब ऑप्शन दे रखी है। तो देख लीजिए 140 mph की स्पीड दे रखी है गाड़ी के अंदर, लेकिन 80 की mph आप स्पीड चला सकते हैं। जो गाड़ी पुरानी दो तीन साल बाद इसकी स्पीड खुल जाती है। तो देख लीजिए गाड़ी कम करते ऑन, तो इसके पहले आप देख लीजिए जो इसका जो हेडलाइट सेटअप है वो देख लीजिए, ये ऑफ हो गया। और ये जो डिम्फर्स के लिए ऊपर नीचे करने से डिम्फर्स हो जाता है, लेफ्ट साइड का इंडिकेटर ऑन ऑफ करने का है और राइट साइड से इंडिकेटर ऑन ऑफ हो जाता है। तो अब चलते हैं इसके वाइपर के सेटअप के बारे में। तो वाइपर का सेटअप भी वही है जो सब मॉडल में आता है, तो देख लीजिए। और ये मेन स्ट हो गया ऑफ और एंड, लो और हाई का सिस्टम हो जाता है इसके अंदर। बहुत अच्छा प्रोफाइल देता है जो गाड़ी के अंदर, जो आगे करने से जो पानी वाटर भी ऑन हो जाता है, वाइपर भी ऑन हो जाता है ऑटोमेटिकली। देख लीजिए कुछ ऐसा सिस्टम दे रखा है गाड़ी के अंदर। तो देखिए स्पीड हो गया, हाई हो गया, लो एंड और ऑफ हो गया। तो देख लीजिए एक बार फिर से मैं अंदर का आपको दिखा देता हूँ व्यू। तो फाइनली दोस्तों आइए हम करते हैं गाड़ी को ऑन, तो करके दिख लेती है। तो देख लीजिए गाड़ी हो गई ऑन। तो इसी तरह गाड़ी का बिल्कुल भी नॉइस नहीं आता है। तो देख लीजिए पावर स्टीयरिंग बहुत स्मूथ है गाड़ी का। तो देख लीजिए तो गाड़ी बहुत अच्छा प्रोफाइल देती है। आपको गाड़ी कैसी लगी वो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर पेश कर दीजिए। तो अब हम चलते इसके बाहर के साइड, तो बाहर से गाड़ी कैसा प्रोफाइल देती है जो ऑन होने के बावजूद भी गाड़ी का नॉइस नहीं आता है। तो चलिए चलते हैं बाहर के साइड। तो देख लीजिए ये गाड़ी कुछ ऐसी तरह हमको प्रोफाइल देती है, चालू होने के बावजूद भी नॉइस नहीं आती है। तो हम इसके अंदर से भी चेक कर लेते हैं, इसका बोनट खोल के देख लेते हैं। तो देख लीजिए आइए चलिए हम खोलते हैं इसके बोनट को। तो देखिए कुछ इस तरह प्रोफाइल देती है गाड़ी प्रोवाइड की हुई है जो महिंद्रा बोलेरो एक्स्ट्रा लॉन्ग। इसी तरह इसके अंदर सब फीचर बदल चुके हैं, जो इसके सिस्टम बदल चुके हैं। तो दोस्तों देख लीजिए सभी गाड़ी का बॉडी का वीडियो आप में पेश होने वाला है। तो इसको देखने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। जय हिंद, वंदे मातरम।